वो ही बंगाल आज की स्थिति में है, इसके लिए मैं जरूर बात करना चाहता हूं। मगर उसके पहले अभी अभी मेरी पार्टी की सरकार के 3 साल समाप्त हुए। अब मैं किसी का हिसाब मांगू उसके पहले ये उचित होगा कि मैं मेरी पार्टी की सरकार का हिसाब आप लोगों को दे दूं। ममता जी को मैं पूछूं क्या हुआ है उसके पहले मैंने क्या करा है, मेरी पार्टी ने क्या करा है, मेरी पार्टी की सरकार ने क्या करा है, वो आप लोगों के सामने रखना जरा ज्यादा उचित होगा। तो मैं बड़ी संक्षिप्त में 2014 का समय आप याद करिएगा, चुनाव के पहले देश भर के अंदर एक अजीब प्रकार का माहौल था। देश का युवा निराश था, महिलाएं असुरक्षित थी, सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, आए दिन घपले घोटाले भ्रष्टाचार, 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और घपले घोटाले एक के बाद एक देश के मानचित्र पर आकर खड़े थे। देश के प्रधानमंत्री कभी कुछ बोले इसके लिए महीनों तक राह देखनी पड़ती थी, आज बोले कल बोले आज बोले कल बोले। एक सरकार ऐसी सरकार चल रही थी जिस सरकार के अंदर हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता, और दुनिया भर के अंदर एक वातावरण ऐसा हुआ कि भाई अटल जी के समय कहते थे कि किसी सदी हिंदुस्तान की सदी है, वही दुनिया बोलने लगी कि भारत के विकास की गाथा समाप्त हो गई। उस निराशाजनक माहौल के अंदर 2014 का चुनाव आया और इस देश की महान देश की जनता ने एक लोकतांत्रिक फैसला किया, ऐतिहासिक फैसला किया। 30 साल के बाद इस देश के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार लाने का काम इस देश की महान जनता ने किया। 30 साल 2014 के पहले 30 साल से इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई थी, किसी एक दल की सरकार नहीं आई, और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की सरकार लाने का काम इस देश की महान जनता ने किया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार अस्तित्व में आई। और 3 साल हो गए उस बात को, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली सरकार के बाद हम शासन में आए। 3 साल हो गए मित्रों, हमारे दूर विरोधी भी, ममता जी जैसे हमारे दूर विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। हमने एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। आगे एक सरकार चलती थी जिसको पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, फैसले नहीं लेते थे, नीतिगत फैसलों में फिसड्डी साबित हो चुकी थी वो सरकार। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने दमखम के साथ फैसले लिए। फैसले सच्चे हो सकते हैं, फैसले झूठे भी हो सकते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं, मगर फैसले लेने का मादा पॉलिटिकल विल नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। एक फैसले देने वाली सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और मित्रों, इसी का कारण है कि कोई सरकारें 50 साल तक चलती है तो 1, 2, 3 ऐसे फैसले गिनाए जा सकते हैं जो इतिहास का हिस्सा हो। नरेंद्र मोदी सरकार 3 साल चली है, मैं 50 फैसले गिना सकता हूं आपको जो इतिहास का हिस्सा बन जाए। 50 फैसले अनेक प्रकार का विकास के नए सीमा चिन्ह मिल के पत्थर रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सबसे पहले जब हम सरकार में आए तब नरेंद्र भाई ने कहा था ये सरकार गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की, आदिवासियों की, किसानों की सरकार होगी। और सब सरकारें मित्रों आप जरा ध्यान से देखिएगा द्वंद्व में फंसती थी कि सरकार गांव का विकास करेगी या शहर का विकास करेगी, कृषि का विकास करेगी या उद्योग का विकास करेगी, ये सरकार रिफॉर्म्स करेगी या गरीब कल्याण के काम करेगी,
ये सरकार नेता चलाएंगे या ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे, ये सारे विवादों में सरकारें घिरी रहती थी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया, गांव का भी विकास हो सकता है, शहर का भी विकास हो सकता है, कृषि के विकास के साथ औद्योगिक विकास भी हो सकता है और जन कल्याण के साथ रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं। और हमारे संविधान ने एक खूबसूरत स्कीम दी है कि पॉलिसी बनाने का काम चुने हुए नेतृत्व का है, लोक प्रतिनिधियों का है, और इंप्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेट्स का है, उसको भी ठीक तरीके से नीचे तक पहुंचाने में सरकार सफल रही है। ये चारों द्वंद्वों को नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। मित्रों, मैं पहले कहना चाहता हूं कि हमने कहा था ये सरकार गरीबों की सरकार, आजादी के 65 साल के बाद हमारे हाथ में संपूर्ण सत्ता का शासन आया। 65 साल की आजादी के बाद इस देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे, 60 करोड़, जिसके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। खुलो खुलो, आप कल्पना कर सकते हो घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से गरीब जनधन योजना का घोषणा किया और आज 29.5 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाकर मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं जिसके घर में बैंक अकाउंट न हो। कलकत्ते में हम सबको लग सकता है कि बैंक अकाउंट कौन सी बड़ी उपलब्धि है अमित भाई, किस जमाने की बात कर रहे हो आप, मगर बैंक अकाउंट का मतलब है कि 60 करोड़ लोग देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे। कितने ही विधवा बहने ऐसी थी जो कभी जन्मी ही नहीं थी, मगर उसकी सहायता चली जाती थी जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम आई और उनके अकाउंट में जाना शुरू हुआ। ना विधवा थी ना अकाउंट था, जब अकाउंट नहीं था तो सब्सिडी भी नहीं थी। 59,000 करोड़ रुपया जनता का एक साथ बचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरा काम किया, हमने 4.5 करोड़ के आसपास शौचालय बनाए। फिर से एक बार आपको होगा कि क्या बात कर रहे हो, शौचालय बनाना कोई डेवलपमेंट का काम है, टॉयलेट बनाना इस जमाने में 21वीं सदी में। मित्रों, कलकत्ते के इस हॉल में, वातानुकूलित हॉल में, एयर कंडीशन हॉल में हमें लग सकता है, अगर मैं भारत के दूर सुदूर गरीब इलाकों में मैंने दौरा किया है। पार्टी का काम करते करते गरीबों के साथ जीने का, रहने का, घूमने का मौका मुझे मिला है। आप कल्पना कीजिए किसी एक गांव के अंदर 16 साल की बच्ची शौच क्रिया के लिए सुबह खुले में बैठती है और पूरा गांव उसको देखता है, वो बच्ची बेचारी अपनी नजर नहीं उठा पाती है, उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है जब खुले में शौच क्रिया करने के लिए, कुदरती प्रक्रिया के लिए जब उसको बैठना पड़ता है, उसका मन आत्मश्लाघा से भर जाता है। वो बच्ची जिसको भी इस देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना, उसको स्वप्न देखना है कि मैं कलेक्टर बनू, डॉक्टर बनू, इंजीनियर बनू, वैज्ञानिक बनू, क्या बनू, और हर रोज सुबह टूटता हुआ उसका आत्मविश्वास उसको एक अच्छा नागरिक नहीं बनने देता है। इस देश में 11 करोड़ परिवारों में शौचालय न हो, इस देश के नागरिक को सर उठाकर जीने का अधिकार नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने 3 ही साल के अंदर 4.5 करोड़ शौचालय बनाया और तय किया है 2022 75 साल जब आजादी के समाप्त होंगे, देश में एक भी घर ऐसा हम नहीं रखेंगे जहां शौचालय न हो। हमने करोड़ों बच्चियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार, 65 साल तक किसी को यह नहीं दिखता था। 65 साल की आजादी तक इस देश में 19,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा और वायर भी नहीं पहुंचा था। हमने तय किया है नहीं चलेगा, मई 2018 26 तारीख तक इस देश में हर गांव में बिजली पहुंचाने का हमने फैसला किया। 19,000 गांव थे, 14,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। किसी प्रधानमंत्री को सोच नहीं है किस देश में 19,000 गांव में आज भी अंधेरा है, लालटेन जलता है, शाम को बच्चा पढ़ नहीं पाता,
विकास वहां पहुंचेगा नहीं, स्वास्थ्य वहां पहुंचेगा नहीं, रोजगारी वहां पहुंचेगी नहीं, शिक्षा वहां पहुंचेगी नहीं। गांव टूटते जा रहे थे, शहरों में झोंपड़पट्टियां खड़ी होती थी। आज हमने तय कर दिया कि 2018 तक सब मई तक सब गांवों में बिजली पहुंचेगी। मुझे भरोसा है, हमने मई का है, मार्च के पहले हम बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर देंगे। इस देश के अंदर हमारे शासन में आने के पहले 12.5 करोड़ गैस के कनेक्शन बांटे गए थे, एलपीजी कनेक्शन। उसमें से 11.8 करोड़ शहरों में थी और गांव की झोपड़ियों के लिए, गांव के गरीब के लिए एलपीजी कनेक्शन नहीं था। हम शहर में पले बड़े लोगों को लगता है कि एलपीजी कनेक्शन कौन सी बड़ी बात है, मगर एक झोपड़े के अंदर एक मां बिचारी अपने घर के लिए कंडे और टहनियां जलाकर, लकड़ियां जलाकर खाना पकाती है, झोपड़ी धुएं से भर जाती है। मां को सिगरेट पीने की कोई आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं उसके फेफड़े के अंदर चला जाता है। उसका छोटा बच्चा बीमार होकर बाहर आता है, बूढ़ा ससुर या बाप मौत मृत्यु के शरण चला जाता है। आजादी के 70 सालों के बाद उसको स्वस्थ रहने के लिए घर नहीं दे पाए थे। हमने तय किया कि 5 साल में 5 करोड़ गरीबों को, धनवान लोगों को अलग, 5 करोड़ गरीब लोगों को गैस का सिलेंडर देंगे। लगभग 2.8 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने समाप्त। गरीब मां की झोपड़ी से धुआं दूर करने का विचार आजादी से अब तक किसी को नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार कोई विचार आ रहा है। मित्रों, इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई थी, घपले घोटाले करप्शन, फिस्कल डेफिसिट के सारे ग्राफ बढ़ते जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी, विकास का दर उनके मुंह गिर रहा था, सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के इंडिकेटर बिल्कुल अपने जगह पे उल्टे चल रहे। 3 साल के अंदर हमने महंगाई को भी काबू किया है, फिस्कल डेफिसिट को भी काबू किया है और भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बना हुआ है। ये परिवर्तन 3 साल के अंदर करना कोई सरल काम नहीं है। निष्ठा और लगन से केवल देश का विचार करते हैं तब जाकर होता है। हमें भी तो वोट चाहिए या नहीं चाहिए सरकार बनाने के लिए बताइए। कठोर फैसले लेते हैं तो नाराजगी होती है, मगर मेरी सरकार ने, मेरी पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए। लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेने का, और इसी के कारण परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लोक रंजन फैसले लेना, वोट बैंकों को खड़ा करना, वोट बैंक का तुष्टिकरण करना बहुत सरल है। कटुता मोल लेना और देश का विकास कर हो ऐसे फैसले लेना बहुत कठिन होता है, खासकर कर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, क्योंकि जनता को अंततः फैसला करना है कि आप कौन हो और कैसे हो। मगर फिर भी हमने ये फैसले लिए। सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है, करा है, तो देश का सोचने का स्केल बदलने का काम करा है। यह भाषा पहली बार बोली जाती है कि हर घर के अंदर शौचालय होगा, हर घर के अंदर एलपीजी होगी, हर घर के अंदर बिजली पहुंच जाएगी, हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी। ये भाषा पहली बार बोली जाती, पहले लक्ष्यांक तय किया करते थे, हमने हर शब्द को छोड़ दिया, स्केल बदला है सोचने का। भारत के अंदर एक अलग प्रकार की सोच चली। इसरो के वैज्ञानिक हमारी सरकार आने के पहले भी इतने ही अच्छा काम कर रहे थे, पूरे दुनिया में विद्वान से विद्वान स्पेस की दुनिया के अगर वैज्ञानिक थे तो हमारे पास थे, मगर 2 उपग्रह छोड़ते थे, 4 उपग्रह छोड़ते थे, 6 छोड़ते थे, 8 छोड़ते थे, बस। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद
इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष के अंदर स्थित कर आज भारत स्पेस की दुनिया में ग्लोबल लीडर बना है। अमेरिका के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने सोचने का स्केल बदला है। वन डेट वन पेंशन, 50 साल से इस देश का सीमा की सुरक्षा करने वाला जवान -44 डिग्री में पहाड़ियों की बर्फीली चोटियों पर अपनी जवानी गलाता हो या 44 डिग्री टेम्परेचर में कच्छ के रण के अंदर, राजस्थान के रण के अंदर पसीना बहाता हो, उसकी सुरक्षा की, उसके वेलफेयर की कोई चिंता नहीं करता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 साल से उनके जो लंबित फैसला था वन रैंक वन पेंशन का, एक साल में समाप्त कर दिया और 8,500 करोड़ हर साल उसके अकाउंट में उसके परिवार के कल्याण के लिए जमा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक, विपक्ष और मीडिया के कुछ मित्र हमेशा टीका करते हैं बाद में टेररिज्म बंद होगा है क्या, आप में से भी कोई पूछेगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा उसका, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों कि जिस दिन उड़ी में 12 जवानों को जिंदा जला दिया सुबह 4 बजे, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया, कायरता पूर्व कृत्य किया, पूरा देश स्तब्ध होकर खड़ा था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सबको लगता था। मनमोहन सिंह जी की आदत पड़ी थी कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आ जाएगा और उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ऐसा स्टेटमेंट आएगा। मोदी जी पहली बार चुप रहे, कुछ नहीं बोले, 15 दिनों तक कुछ नहीं बोले, 16वें दिन बड़े सवेरे पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उनकी धरती पर जाकर बदला लेकर हमारे सेना में शौर्य पहले भी था, ये फैसला लेने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए इस प्रकार के फैसले नहीं लिए जाते। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है, पूरी दुनिया मानती है भारत अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी भी एक्सटेंड तक, किसी भी सीमा तक जाकर हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा कर सकती है, हमारे सार्वभौमत्व की रक्षा कर सकते हैं, हमारे जवानों की सुरक्षा कर सकते हैं। अमेरिका के बाद दुनिया में पहली बार साहस दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने किया है। ये बदलाव एक अलग प्रकार का बदलाव, काले धन पर अनेक प्रकार की नकेल कसी है। मैं मानता हूं कई लोगों को दिक्कत होती होगी, कई लोगों को दिक्कत होती होगी, मगर काले धन की अर्थव्यवस्था को इस देश में से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सेल कंपनियों के अंदर जांच बिठाकर 2 लाख सेल कंपनियों को एक साथ बंद कर देने की बात हो, चाहे बेनामी संपत्ति का कठोर कानून बनाकर बेनामी संपत्ति पर करारा प्रहार करने की बात हो, अनेक प्रकार के काम किए, डिजिटल ट्रांजेक्शन भीम ऐप, आज भीम ऐप दुनिया का सबसे पॉपुलर डिजिटल ट्रांजेक्शन का ऐप बना हुआ, ये सारे परिवर्तन करें और आज इकोनॉमी के अंदर से काले धन को निकालने की एक अच्छी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर की 3 ट्रीटियां ऐसी थी जहां से काला धन कानूनी होकर वापस आता था, हमने समय से पहले साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर की ट्रीटियों को समाप्त कर दिया। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी आज संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मुझे भी पार्टी चलानी है, अगर हमने फैसला लिया राजनीतिक दल भी चंदा लेंगे तो पहले 20,000 तक कैश चंदा लेने की प्रोविजन था उसको कम कर 2,000 रुपये तक सीमित कर राजनीति के अंदर भी चेक से चंदा लेने की प्रक्रिया शुरू करने वाली पार्टी कोई अगर एक है तो वो भारतीय जनता पार्टी। हमने सिर्फ जनता के लिए कड़े फैसले लिए ऐसा नहीं है, राजनीतिक दलों के लिए भी कड़े फैसले लिए हैं। मित्रों, जेनेरिक दवाओं के पूरा एक जाला हमने खोला है, गरीब को सस्ती दवाइयां मिले, सस्ता स्टेंट मिले, घुटना बदलवाना हो तो सस्ता घुटना मिल जाए उसको, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। पहले तो गरीब को दिल का दौरा पड़ने की संभावना हो जाए
और डॉक्टर अगर कहते स्टेंट रखना पड़ेगा, वो बेचारा पूछता था, जानते हुए भी पूछता था कि साहब खर्च कितना होगा। जब 4.5 लाख कहते थे तब लगता था बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाऊंगा, जो होगा वो होगा, ईश्वर ने तय किया होगा। 4.5 लाख का स्टैंड 7 लाख से 40 हजार के बीच में मिलता है। कोई प्यून को भी अगर अपना दिल के अंदर स्टैंड रखवाना है तो अपने बच्चों के लिए वो लंबा जी सकता है। 7 साल तक इसकी व्यवस्था नहीं थी। दवाओं के अंदर 700% से लेकर 30% के भाव नीचे आए। इस प्रकार के जेनेरिक दवाओं के स्टोर खोलने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड, रिलीफ में बढ़ोतरी, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, ई मंडी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक लंबा श्रोणी श्रेणीबद्ध कदम उठाकर देश की कृषि को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, हमने अगर किया है, सबसे बड़ा काम किया है, तो परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण, एपिसमेंट की पॉलिटिक्स को हमने लगभग लगभग देश से खत्म कर दिया। बंगाल बच गया है। जातिवाद की पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया है, परिवारवाद की पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया है। और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नए युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी है। जो परफॉर्म करेगा, जो विकास करेगा, जो लोगों को सुनेगा, जो लोगों को सुनाएगा, वो चुनेगा। नेताओं को भी हिसाब देना पड़े ऐसी स्थिति करी। इसलिए ज्यादातर नेता अमेरिका वैकेंसी ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं और वहां जाकर भाषण ठोक कर आते हैं। देश में कोई सुनता नहीं है क्या, इनकी समस्या है। मगर मित्रों, जिस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, आप लोग सवाल पूछेंगे तो थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, मगर बंगाल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत किया है। मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, सिर्फ थोड़े आंकड़े बता दूंगा आपको। 13th फाइनेंस कमीशन जो कांग्रेस के शासन में रहा, उसमें केंद्रीय कर में बंगाल का हिस्सा, सेंट्रल टैक्सेस में शेयर ऑफ बंगाल, रेवेन्यू शेयरिंग 1,03,539 करोड़, 1,03,539 करोड़ था। और 14th फाइनेंस कमीशन का कालखंड जो नरेंद्र मोदी सरकार का है, उसको बढ़ाकर 1,03,000 से बढ़ाकर 2,89,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ग्रांट्स, अनुदान सहायता जो पहले 9,520 करोड़ मिलती थी, उसको बढ़ाकर 34,732 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पहले नील मिलती थी, बी जीरो, अब रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट 11,760 मिलती है। लोकल बॉडीज ग्रांट पहले 1,444 करोड़ 1,444 करोड़ मिलते थे, अब 20,832 करोड़ देने की शुरुआत की है। इन टोटल अगर लगा देते हैं तो पहले 1,32,783 करोड़ रुपया मिलता था, 1,32,783, उसकी जगह 3,59,406 करोड़ रुपीज नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजना शुरू। हम तो ग्रांट भेज रहे हैं, मीडिया बैठा है। मैं मीडिया के माध्यम से ममता दी को पूछना चाहता हूं, मैंने तो हिसाब दे दिया हम कितना भेजते, पैसा कहां गया, इसका हिसाब किसने देना है भी बताओ। मुझे देना है क्या? इसका हिसाब ममता बनर्जी ने देना है। पैसा गया कहां? क्यों बंगाल के अंदर बिजली नहीं आई? क्यों बंगाल के अंदर साक्षरता नहीं बढ़ती? क्यों बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता? क्यों बंगाल के अंदर स्वच्छ पीने का पानी नहीं पहुंचता? कहां गया पैसा? सारा पैसा सिंडिकेटों में समाप्त हो जाता है। और इसके अलावे, ये तो मैंने शुद्ध ग्रांट करी है, की है, इसके अलावे केंद्रीय योजनाओं में 24,705 करोड़ रुपया 3 साल में दिया है। मुद्रा लोन के माध्यम से 29,000 करोड़ रुपया दिया है और खदानों की ई नीलामी से, ई ऑक्शन से 21,345 करोड़ रुपया दिया है। ये सारा पैसा किसकी भेंट चढ़ जाता है, देश में भी नहीं रहता। मित्रों, आप लोगों ने परिवर्तन किया था, लाल सरकार निकालकर नीली सरकार ले आए थे आप, लाए थे ना,
आपने सोचा था हिंसा समाप्त हो जाएगी, आपने सोचा था गरीबी समाप्त हो जाएगी, बंगाल फिर से विकसित राज्य बनेगा, आपने सोचा था बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, आपने सोचा था बंगाल के अंदर कला का महत्व फिर से एक बार अपना गौरव प्राप्त कर लेगा, आपने सोचा था बंगाली भद्र मनुष्य फिर से एक बार पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, आपने सोचा था कि हम दुनिया में बंगाल के गौरव को फिर से प्रस्तापित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं 7 साल के बाद क्या हुआ भी? गरीबी गई क्या? हिंसा कम हुई क्या? बेरोजगारी गई क्या? बंगाली कलाकारों को और बंगाली आर्ट्स को आजादी के पहले जो सम्मान प्राप्त था वो जगह पे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा राज्य देश विकास कर रहा है। 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। देश का 80% भूभाग भारतीय जनता पार्टी के शासन के नीचे। और यहां ममता जी विकास नहीं करेंगे। मेरा आप सब इंटेलेक्चुअल्स हो, बुद्धिजीवी हो, आपका सिर्फ वोट नहीं चाहिए, आपने बंगाल में एक माहौल बनाना चाहिए। गरीब नहीं बोल पाएगा, उसमें हिम्मत नहीं। आपने सवाल फ्रेम करने पड़ेंगे, बंगाल किस दिशा में जा रहा है, बंगाल के सीमावर्ती जिलों में आज क्या हो रहा है, बंगाल के सीमावर्ती जिले विभाजन की पहले की स्थिति में फिर से आ रहे हैं, कहां जाकर ठहरेंगे हम, राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या, बम धमाके हो रहे हैं, जाली नोट घुस रहा है, गायों की तस्करी हो रही है, क्या कर रहे हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं, दुर्गा का विसर्जन करने के लिए, मां दुर्गा का विसर्जन करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, सरस्वती की पूजा नहीं करने देते तो पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रोटेस्ट में सरस्वती माता का फोटो यहां पर रखना पड़ता है, किस प्रकार के बंगाल को हम चाहते हैं। हम किसी के विरोधी नहीं, पर बंगाली तो हो ही नहीं सकता, मगर हमारा ही कोई विरोध कर दे, इस प्रकार की सोसाइटी तो नहीं चल सकती ना। हमें किसी का विरोध नहीं करना है ना, मैं कहता हूं आप किसी का विरोध करो, मगर हमारी ही परंपराओं का कोई विरोध कर देगा। और देश भर के अंदर कई धर्मों के जुलूस एक साथ निकलते हैं, यहां पर भी निकलते रहे, कोई पहली बार नहीं हुआ है। क्यों ऐसा फैसला होता है? हिंदू मुसलमान दंगों के कारण नहीं हो रहा है, वोट बैंक बनाने के लिए, एपीसमेंट करने के लिए। और मेरा मानना है बंगालियों ने अपना स्वभाव छोड़कर निर्णायक बनने का समय आ गया है। मैं स्वभाव छोड़कर इसलिए कहता हूं कि आजादी के बाद एक ही राज्य बंगाल ऐसा है जहां सिर्फ बार तीन बार सरकार, दो बार सरकारें बनी है। एक बार कांग्रेसियों को निकालकर लाल सरकार लाए और लाल को निकालकर नीली सरकार लाए, ग्रीन लाए, दो ही बार परिवर्तन हुआ है। अरे भाई हिसाब मांगिए, आपके वोट का, बंगाल के गरीब आदमी का, बंगाल के भविष्य का। और जब तक आप नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। मुझे ज्यादा नहीं कहना है, आप लोगों ने यहां मेरी बात रखने का मौका दिया, इसलिए मेरी पार्टी की ओर से हृदय से आप सभी का धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।